दुनिया भर में कोरोना वायरस की दवा खोजने के प्रयास तेज हो गए हैं। अब भारतीयों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल से हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर COVID-19 की स्वदेशी दवा या वैक्सीन तैयार करने पर काम करेंगी। इस समझौते के बाद भारत ने कोरोना वैक्सीन खोजने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। सब कुछ सही रहा तो भारत खुद वैक्सीन विकसित कर लेगा और उसे दूसरे देशों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। ICMR की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक भारत बायोटेक के पास भेज दिया गया है। अब वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। ICMR की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों सहयोगियों के बीच वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में ICMR NIV की ओर से भारत बायोटेक को लगातार सपोर्ट दिया जाएगा। वैक्सीन डेवलपमेंट, एनिमल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल को तेज करने के लिए ICMR और भारत बायोटेक तेजी से अप्रूवल लेते रहेंगे। इस समझौते के बारे में भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण एला ने कहा, हमें इस पर गर्व है कि हम पूरे देश के लिए जरूरी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, साथ ही ICMR और NIV के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इसे सफल बनाने और कोरोना के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा योगदान देंगे। आपको बता दें कि शनिवार को हुआ यह समझौता कोरोना की वैक्सीन खोजने की दिशा में भारत बायोटेक का तीसरा कदम है। इससे पहले भारत बायोटेक ने 3 अप्रैल को कहा था कि वह एक बूंद वाले कोरो फ्लू पर काम कर रही है, जो कि मनुष्यों में सुरक्षित पाई गई एक वैक्सीन पर आधारित है। वैक्सीन की खोज के बारे में भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट हेड रिचेज एला का कहना है कि हम वैक्सीन बनाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन डोज बनाकर वैश्विक स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। एक समझौते के तहत फ्लूजेन कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमें देगी, जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।